माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष भी है और गर्व भी। मेरे हर्ष का कारण यह है कि हरियाणा के समाज के सभी वर्गों एवं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वर्ष 2019 के आम चुनाव में हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले सभी सांसदों एवं सभी विधायकों से विचार विमर्श करके ही बजट बनाने का मेरा संकल्प सफल हुआ है। अपना ये विचार मैंने अपने अधिकारियों और सलाहकारों से पहली बार गत दिसंबर में साझा किया था। उनकी प्रथम प्रतिक्रिया थी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों से आगामी बजट के बारे में बात करना तो ठीक है, परंतु विपक्षी राजनीतिक दलों से बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि हरियाणा में तो क्या, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी भी वित्त मंत्री ने कभी भी बजट से पहले सभी विधायकों से परामर्श नहीं किया। कईयों को तो ये भय था कि विधायक केवल अपने चुनाव क्षेत्र की मांगे ही रखेंगे, उन सबके लिए धनराशि उपलब्ध करवाना असंभव होगा, परंतु मैं अपने संकल्प पर अडिग रहा। मैंने पूरे 2 माह 8 बजट पूर्व परामर्श सत्र आयोजित किए। गुरुग्राम में 8 जनवरी को सेवा क्षेत्र तथा भू संपदा क्षेत्र, 14 जनवरी को पानीपत में निर्माण एवं कपड़ा क्षेत्र, 15 जनवरी को फरीदाबाद में विनिर्माण क्षेत्र तथा 16 जनवरी को हिसार में कृषि क्षेत्र के परामर्श सत्रों में 101 संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कुल 215 सुझाव दिए। 7 फरवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा के विभिन्न महिला समूहों और संगठनों की 21 प्रतिनिधियों ने मुझे 66 सुझाव दिए तथा 10 फरवरी को नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों ने मुझसे 17 सुझाव साझे किए। सर्वाधिक 620 सुझाव मुझे इस गरिमामय सदन के विधायकों ने पंचकुला में चले 3 दिवसीय सत्र में दिए। इसके अतिरिक्त 20 सुझाव मुझे लिखित रूप में पत्रों तथा ज्ञापनों के माध्यम से भी प्राप्त हुए। ये ठीक है कि कुछ सुझाव एक जैसे थे और कई प्रकार के सामान्य कामकाज के बारे में थे। कुल मिलाकर लगभग 300 से भी अधिक अलग अलग सुझाव सीधे सीधे बजट के बारे में थे। इस सदन के सभी विधायक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन सब ने मेरा मंतव्य समझा और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित न रहकर राज्यव्यापी योजनाओं की कमियों और नई योजनाओं की आवश्यकता बारे भी मुझे अपने सुझाव दिए। मैंने हर सुझाव पर मनन किया और मुझे खुशी है कि जो बजट मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें 70% से भी अधिक सुझावों के लिए मैं प्रावधान कर पाया हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि जब भी जो सुझाव आएंगे, अगर हमारा सुझाव उसमें सम्मिलित है तो ज़रूर संतोष व्यक्त करें, और अगर मुझे बताएंगे तो मुझे उसमें गर्व का अनुभव होगा। मेरे हर्ष का एक बड़ा कारण ये भी है कि अक्टूबर 2019 के जनादेश में से बनी हमारी सरकार के इस प्रथम बजट के माध्यम से दोनों सत्तारूढ़ दलों के संकल्प पत्रों के अधिकांश वादों का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा तथा कई और पूरे हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रथम बजट को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मेरे गर्व का पहला कारण है कि मैं इसमें विभिन्न भागों को सभी योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन इस प्रकार कर पाया हूँ जिससे हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों, फैक्ट्रियों और दुकानों की तरफ काम पर जाने वाला हर मेहनतकश आम हरियाणवी अपने जीवन को सुगम होता और अपनी आय को बढ़ता हुआ पाएगा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ते समय सभी हरियाणवी आश्वस्त होंगे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अपने निकट संबंधियों का हालचाल पूछने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाने वाला हर हरियाणवी निश्चिंत होगा कि वहाँ उसे सर्वोत्तम चिकित्सा मिलेगी। हरियाणवी परिवार अपने को खुशहाल होता और अपने सभी युवा सदस्यों को या तो रोजगार में लगा या रोजगार के लिए हुनर हासिल करता देखेगा। राष्ट्र की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों का
हर हरियाणवी जवान आश्वस्त होगा कि उसके परिवार की सुरक्षा तथा कल्याण की ओर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान है। हर भारतीय और विदेशी निवेशक हरियाणा में निवेश करने को उत्सुक होगा। मेरा विश्वास है कि इसके फलस्वरूप हम सब हरियाणा प्रदेश के भविष्य को निरंतर समृद्ध एवं सशक्त बनता हुआ अनुभव करेंगे। मैं गर्वित हूं कि जनमानस के इस स्वप्न को यथार्थ बनाने के लिए इस बजट में तमाम प्रावधान करते हुए मैंने कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में वर्णित कर व्यवस्था प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिर्ग्रहित सहस्त्र गुण मृत्युष्मादते ही रसम रविरो का पालन किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे सूर्य हजार गुना पानी बरसाने के लिए पृथ्वी के जल का बहुत कम भाग लेता है, वैसे ही सूर्यवंशी शासक भी अपनी प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से बहुत कम मात्रा में कर लिया करते थे। मेरे लिए भी ऐसा करना संभव हुआ, इसके लिए मैं हर उस व्यक्ति, संस्था और संगठन का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे खुलकर अपने सुझाव दिए। इससे पहले कि मैं सभी बजट प्रस्तावों को आपके समक्ष रखूं, राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के अब तक के प्रदर्शन पर हमें एक नज़र अवश्य डालनी चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। इनके अवलोकन से ये स्पष्ट हो जाता है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP वर्तमान मूल्यों पर 204.42 लाख करोड़ रुपए और हरियाणा की GSDP 8.32 लाख करोड़ रुपए हो रहेगी। इसका अर्थ है कि देश के क्षेत्रफल का 1.34% और जनसंख्या का 2.09% होने के बावजूद आज देश की GDP में हरियाणा का 4.07% योगदान है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर मूल्यों पर भारत की आर्थिक वृद्धि 5% जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि 7.7% हो रहेगी। ये गर्व की बात है कि हमारा छोटा सा प्रदेश आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के विकास का एक बड़ा इंजन सिद्ध हो रहा है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि GDP को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। ये और भी गर्व की बात है कि वर्ष 2014-15 से 18-19 के दौरान हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय में 35.49 की वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर 1,72,409 रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,80,026 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 6.3% की वृद्धि दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्यों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,64,207 रुपये अनुमानित है, जो कि 1,35,050 रुपये की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग दुगनी है। राजकोषीय स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोष अर्थात सरकारी खजाना जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई पर लगे टैक्सों से भरता है, इसलिए इसकी पाई पाई को जनहित में खर्च करना और पूरी जिम्मेदारी से इसकी फिजूल खर्ची पर रोक लगाना किसी भी निर्वाचित सरकार का परम धर्म होता है। आय और व्यय को संतुलित रखने का कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक 2 के 7वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी एक सिद्धांत है, विष्ट देश काल मुखानुवर्तन रूप लक्षण परिमाण निक्षेप भाजन को पाय कैश्च नीवी समान ये। सरल भाषा में इस सिद्धांत का भावार्थ है कि शासक को निर्धारित तिथियों पर राजकोष में होने वाली विभिन्न प्राप्तियों तथा व्ययों का संकलन करके शेष धन का मिलान करते रहना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्र में इस संबंध में 2 बड़े मानक होते हैं, राजकोषीय घाटे और ऋण का GDP से अनुपात। गर्व की बात है कि हम राजकोषीय घाटे को 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित GDP की 3% की सीमा के अंदर रखने में सफल हुए। वर्ष 2017-18 में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य की GDP का 2.62% था। वर्ष 18-19 में यह उदय के बिना 2.69% तथा उदय के साथ 2.98% रहा। संशोधित अनुमान
2019-20 के अनुसार ये उदय के साथ 2.82% और उदय के बिना 2.56% रहेगा। हमारा कुल ऋण भी GSDP की 25% की निर्धारित सीमा के अंदर रहा है। वर्ष 18-19 में उदय के बिना ये 17.82% था, संशोधित अनुमान 19-20 में ये 18.14% अनुमानित है। उदय के साथ ये अनुपात 18-19 में 21.36% था और संशोधित अनुमान 19-20 में 21.26 अनुमानित है। इन दो मुख्य मानकों के पालन के अतिरिक्त हम राजस्व घाटे को कम करने में भी सफल हुए हैं। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016-17 में राजस्व घाटा GSDP का 2.83% था, वर्ष 2017-18 में ये 1.63% था तथा 18-19 में 1.54% है था। सर्वविदित है कि प्रभावी राजस्व घाटा एक और भी बेहतर राजकोषीय संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2016-17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81% था, जो वर्ष 2018-19 में 1.01% रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है। जरा प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि सरकारी खजाने में हुआ कोई भी खर्च या तो पूंजीगत व्यय होता है या राजस्व। पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह बहुत हर्ष की बात है कि वर्ष 16-17 के 16,353 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में वर्ष 18-19 में हमने पूंजीगत व्यय को दुगना यानी 33,206 करोड़ रुपया कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारे आर्थिक ताने बाने के महत्वपूर्ण घटक है। पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, परंतु इनसे आशा की जाती है इनके अच्छे परिणाम हों। इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकारी खजाने से कुल निवेश वर्ष 14-15 के 9,141 करोड़ रुपए से 218% बढ़कर वर्ष 18-19 में 29,130 करोड़ रुपया हो गया है। मैं कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत 23 सार्वजनिक उपक्षेत्र उपक्रमों में से 19 उपक्रमों के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने वर्ष 18-19 में 1,704 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि 14-15 में केवल 13 उपक्रम शुद्ध लाभ की स्थिति में थे, 14-15 में सार्वजनिक उपक्रमों के 10 उपक्रम घाटे में थे, जबकि 2018-19 में उनकी संख्या घटकर केवल 4 रह गई है। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा 2,213 करोड़ रुपए से घटकर केवल 52 करोड़ रुपए रह गया है। सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। इनमें से लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 2014 में 6 से बढ़कर 18-19 में 7 हो गई और इस दौरान इनका लाभ 40.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 93 करोड़ रुपया हो गया है। अध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को जब विधायकों के बजट पूर्व परामर्श सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे थे तो उस दिन महर्षि स्वामी दयानंद की 197वीं जयंती होने के कारण हमने उनके जीवन मूल्यों पर भी मनन किया था। हम सब ने माना था कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हम अच्छी परंपराओं की रक्षा करें, बुरी परंपराओं को तोड़ने में न झिझकें और नई परंपराओं को शुरू करने का साहस भी रखें। जहां हमने बजट पूर्व विधायक व्यापक विचार विमर्श की एक नई परंपरा की शुरुआत की है, वहीं राजकोषीय घाटे को GDP के 3% और ऋण को 25% की सीमाओं में रखने की परंपराओं का पालन किया है। अब जो बजट मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसमें वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GSDP का
2.73% रखने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारा राजस्व घाटा 1.64% तथा प्रभावी राजस्व घाटा 0.75% रहने का अनुमान है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 5 वर्ष में प्रभावी राजस्व घाटे को 0 पर लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ परंपराओं को तोड़ा भी है। सभी विभाग अक्सर अपनी स्कीमों को अपनी संतान प्राय मान लेते हैं, वे किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। मैंने सभी विधायकों से आग्रह किया था कि वे अनुपयोगी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 132 योजनाओं का 40 योजनाओं में विलय कर दिया है, 18 योजनाओं को समाप्त कर दिया है और 6 योजनाओं का अन्य विभागों में समावेश किया है। ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी और आने वाले दिनों में योजनाओं का और अधिक युक्तिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और परंपरा है कि सदन द्वारा पारित बजट पर वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय सीमा लगाई जाती है। मैंने वर्ष 2020-21 से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को, जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, महिला कल्याण तथा कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी और सिंचाई से संबंधित हैं, उनसे त्रैमासिक व्यय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से उनके लिए वर्ष भर निर्बाध रूप से धन उपलब्ध मिलता रहेगा। हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के उपरोक्त संक्षिप्त चित्रण से यह स्पष्ट है कि यदि हम राजकोषीय अनुशासन तथा सुधारों के मार्ग पर इसी प्रकार चलते रहे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा का अत्यंत विलक्षण एवं प्रभावी योगदान रहेगा। इसे राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज का राज्य बजट इस मार्ग को सुगम एवं प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट प्रस्ताव पर आता हूँ। एक प्रथा रही है कि विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार और फिर प्रत्येक क्षेत्र में विभाग अनुसार पढ़ा जाता है। मैं इसी के अनुरूप ही सारे आवंटन आपके सामने रखूंगा। वित्त मंत्री के हाथ में सारा राजकोष होता है और उसका आवंटन वे अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। सिर्फ एक और व्यक्ति के बारे में वे हमेशा चिंतित रहते हैं और कहीं कुछ बुरा ना मान लें, आप जानते हैं वह व्यक्ति होता है चीफ मिनिस्टर CM। क्योंकि संयोग से इस बार मैं CM भी हूँ और FM भी, तो आपको लग सकता है कि मुझ पर यह बंधन नहीं था, परंतु सत्य यह है कि बजट के बनाने के दौरान पूरे समय मेरे सामने भी एक CM का ख्याल था। वह CM मैं नहीं, वरना एक ऐसा CM जिसकी सेवा और सुख समृद्धि का ध्यान हम सभी को रहता है, वह CM है कॉमन मैन। इसलिए जब मैंने बजट पूर्व परामर्श से प्राप्त हुए सुझावों पर मनन किया तो क्षेत्रीय विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणवी के लिए 4 मुख्य लक्ष्यों को निरंतर ध्यान में रखा। ये 4 लक्ष्य एक प्रकार से वे 4 स्तंभ हैं जिन पर पूरा बजट बना है। ये 4 लक्ष्य हैं: शिक्षा, शिशुओं, किशोरों, युवकों, सभी को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; दूसरा स्वास्थ्य, नवजात से लेकर वयोवृद्ध तक सभी के लिए सहज, सुगम एवं सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं; तीसरा सुरक्षा, हर व्यक्ति और वर्ग की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा; स्वावलंबन, हर व्यक्ति, संस्था, समूह और संगठन का स्वावलंबन। मेरा आपसे अनुरोध है कि हर क्षेत्र में हर विभाग के बजट प्रस्तावों को समझते समय इन 4 स्तंभों को अवश्य ध्यान में रखें। तो आइए वर्ष 2020-21 के हरियाणा सरकार के बजट में मेरे द्वारा किए गए कुल 1,42,343.78 करोड़ रुपए के प्रावधानों तथा अन्य प्रस्तावों की प्रस्तुति के ठीक पूर्व एक बार हम सब मिलकर के श्वेता श्वेत उपनिषद से एक शांति मंत्र का पाठ करते हैं।
ओम सेनावतु सैनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। आप जानते हैं कि यह वीर्यम करवावहै का अर्थ है कि हम मिलकर परिश्रम करें, और तेजस्वी नावधीत मस्तु का अर्थ है कि हमारे परिश्रम की वस्तु तेजस्वी हो। इस बजट को बनाने में हमने मिलकर परिश्रम किया, इसलिए आज का ये बजट तेजस्वी हो। ओम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कृषि को भविष्योन्मुखी बनाने तथा किसान की आय को दुगनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति कृतसंकल्प है। इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ई खरीद पोर्टल पर किसानों के पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया अब काफ़ी प्रचलित हो गई है। राज्य में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए सिस्टम लिंकेज को सुचारू, पारदर्शी, किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से 54 मंडियों को ई नैम योजना के साथ भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी जैसी वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं। किसानों के जोखिम को कम करने तथा उन्हें नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में किसानों को क्लेम के रूप में 2097.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो बीमा कंपनियों को अदा किए गए 1672.99 करोड़ रुपए के प्रीमियम से काफ़ी अधिक है। प्रसन्नता की बात यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। राज्य को योजना के क्रियान्वयन में बढ़ाए गए अधिकार से ये योजना और अधिक कारगर सिद्ध होगी। वर्ष 2020-21 से हमारी सरकार कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रत्येक खंड कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, ताकि किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित सभी कार्य ब्लॉक स्तर पर ही पूरे हो सके। हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भविष्य में ट्रस्ट मॉडल के रूपरेखा पर चलाने के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। हमने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत भी किसानों के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने का प्रावधान किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सुझाव हमारे वरुण चौधरी का आया था, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। भारत सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा पानी की कमी वाले 36 खंडों की पहचान की गई है। साथ ही इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र ही एक नया कानूनी ढांचा भी बनाया जाएगा। किसानों को फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने भावांतर भरपाई योजना के नाम से एक योजना शुरू की। इसमें 10 सब्जियाँ नामता टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर, बैंगन, अमरूद, शिमला मिर्च, किन्नुओ तथा 3 फसलों नामता सरसों, बाजरा और सूरजमुखी को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 3,60,470 किसानों को लगभग 309.53 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने 2015-17 के दौरान पहले चरण में 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 2017-19 के दौरान दूसरे चरण में लगभग 36.36 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। राज्य की सभी मंडियों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लक्ष्य पर चलते हुए 2019-20 में विभिन्न सरकारी भवनों व मंडियों में कुल 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। अब सॉयल हेल्थ कार्ड को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। सॉयल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश के आधार पर जिन किसानों द्वारा फसल की बिजाई की जाएगी, उन्हें 50 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राज्य में लवणीय व जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए एक कार्यक्रम वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था, परंतु आज तक
केवल 28,100 एकड़ भूमि सुधारी गई। प्रदेश में लगभग 11 लाख एकड़ भूमि लवणीय व जल भराव की समस्या से प्रभावित है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2020-21 में इस समस्या से ग्रस्त 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इस कार्य को मिशन मोड में PPP के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सरकार ने नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी के माध्यम से फल अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से इस वर्ष 5,225 किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान की गई है। किसानों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। वर्ष 18-19 की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 35% की कमी आई है। अब राज्य सरकार ने खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में उठाए जाने वाले निम्न महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है। उनमें से केवल 12 के बारे में मैं इस रूप से बताना चाहूँगा। वे इस प्रकार: सतत कृषि विकास अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले महीने अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित की जा रही एक राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्य भर के प्रगतिशील किसानों से विस्तृत चर्चा उपरांत एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगले 3 वर्ष में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा और मैं समझता हूँ 3-4-5 विधायकों ने इस प्रकार का ये सुझाव हमको दिया था। हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल उत्पाद सुखाने में कोई परेशानी ना आए एवं उनको फसलों का पूरा भाव बिना किसी कट के मिल सके। हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी। गोदामों में चोरी की समस्या को रोकने के लिए राज्य के भंडारण निगम, हैफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में CCTV कैमरा ये लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा। गीता बुक्कल जी, आपके प्रस्ताव पर ही जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया जाएगा। इन मास्टर ट्रेनर्स को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। असीम गोयल, घनश्याम दास जी, ये दोनों ने सुझाव दिए थे। इस समय ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं के लिए किए गए ऋण पर उपलब्ध है। इसकी सीमा 1.5 लाख रुपया है। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि ब्याज रहित ऋणों की सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60,000 रुपये तक का अधिकतम 3 लाख रुपये तक फसल ऋण लेते हैं, इस सुविधा को भी ले सकेंगे। 3 शर्तें इसमें दी हैं। पहला, किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करे, जो गुड पे मास्टर हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। दूसरी, किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लिए गए सभी ऋणों को घोषित करे। तथा तीसरा यह कि फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की सीमा तक की अदायगी खरीद एजेंसी द्वारा सीधे उस संस्था के खाते में जमा कराई जाएगी जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है। अगला, एक किसान दूसरे किसानों के ऋण उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन, हार्वेस्टर इत्यादि का उपयोग कर सके, इसके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। हरियाणा के विद्यालयों महाविद्यालयों के विज्ञान के विद्यार्थियों को मिट्टी व जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि यदि वे चाहें तो अपने प्राध्यापक की देखरेख में मिट्टी व जल परीक्षण का काम एक प्रमाणित व्यवसाय के रूप में भी कर सकें। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र छोटे व सीमांत किसानों को मशीनों व कृषि यंत्रों पर अनुदान वर्ष 2021-22 तक बिना लॉटरी के उपलब्ध हो। साथ ही कृषि उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए
छोटे कृषि उपकरण के निर्माताओं को भी सब्सिडी दी जाएगी, ये भी कुछ विधायकों के द्वारा सुझाव दिया गया था। फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थानों पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रभावित जिलों के हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे। हमारे कई किसान भाई खेतों से जुड़ी हुई कई आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जिनके लिए उन्हें बिजली विभाग को 7.5 रुपये प्रति यूनिट बिल देना पड़ता है। हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी, जिसमें 7.5 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इस कैटेगरी में पैक हाउस, ग्रेडिंग पैकिंग, प्री कूलिंग तथा राइपनिंग चैम्बर, मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, टिश्यू कल्चर, झींगा और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बल्क दूध शीतकरण तथा किसान उत्पादक समूह द्वारा स्थापित 20 किलोवाट लोड तक के कोल्ड स्टोर आदि शामिल होंगे। ऐसे हजारों किसानों का अब बिजली का बिल 2.75 रुपये प्रति यूनिट कम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बागवानी के तहत वर्तमान के 8.17% क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दुगना और बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर 3 गुना करने का हमारा लक्ष्य है। इसे और भी जल्दी पूरा करने के लिए मैंने बजट में कई नए प्रावधान किए हैं। बागवानी में प्रदर्शनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत उत्पादन के लिए 2 और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 1 शुष्क भूमि बागवानी के लिए, दूसरा कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अलावा किसानों की उपज के बेहतर संग्रह और प्रत्यक्ष विपणन के लिए 75,581 किसानों की सदस्यता वाले 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है, FPOs। वर्ष 2022 तक 1,000 और नए FPO बनाए जाएंगे। बागवानी विभाग ने अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक उपज वाली हल्दी की किस्मों की पहचान की है। वर्ष 2020-21 में किसान उत्पादक संगठनों को भी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरूद, मशरूम, स्ट्रॉबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए राज्य भर में चिन्हित फसल समूहों में 20 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2020-21 में किन्नू, अमरूद और आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा। हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री हेतु वीटा और हेफड की तर्ज पर राज्य भर में चिन्हित स्थानों पर 2,000 आधुनिक बिक्री केंद्र स्थापित करेंगे। इस काम को और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था खड़ी की जाएगी, ताकि लोगों को रोजगार में बढ़ावा मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का देश के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान है। पशुपालन गतिविधियां आय और रोजगार सृजन में अपना योगदान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में पशुधन एवं डेयरी विभाग 2823 पशु चिकित्सा संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से 89.98 लाख पशुओं को पशु चिकित्सा व पशु प्रजनन सुविधाएँ प्रदान करवा रहा है। हमने राज्य में गाय और भैंसों को मुँह खुर व गलघोटू रोग से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन प्रयोग करके सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 साल से इन बीमारियों को कोई मामला सामने नहीं आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पशुओं के कल्याण और अनुवांशिक सुधार तथा पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए हरियाणा पशु पंजीकरण प्रमाणन एवं प्रजनन अधिनियम 2019 लागू किया है। राज्य के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों में दिनांक 16/9/19 से शुरू किया है। इसके अंतर्गत अब तक 76,000 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं। हमारी सरकार बेसहारा पशुओं, विशेष तौर पर विदेशी एवं संकर नस्ल के सांडों के खतरे से निपटने के लिए भी दृढ़ संकल्प है। राज्य की गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी पशु संस्थाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है।
जिससे 85 से 90% मादा बच्चे ही पैदा होने की संभावना होती है। ये सेक्स सॉर्टेड सीमन 850 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से खरीदा गया है। वर्तमान में इसे पशुपालकों को 500 रुपये की दर से दिया जाता है। हमारी सरकार ने वर्ष 2020-21 में इस राशि को कम करके पशुपालकों को मात्र 200 रुपये प्रति स्ट्रा की रियायती दर पर प्रदान करने का फैसला किया है। श्रीमती नैना चौटाला जी ने इस पैसे को कम करने की बात कही थी। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नाबार्ड की योजना के अंतर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालयों व 115 राजकीय पशुधन औषधालयों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। श्री जोगीराम जी और शमशेर सिंह जी, इन्होंने ये सुझाव दिया था। 2020-21 में पशु संजीवनी सेवा के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवाएं पशुपालक के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ भी प्रारंभ की जाएंगी। मैंने राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के प्रावधान को, जो गौ सेवा का 30 करोड़ रुपये का बजट है उसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया है। ये राशि अब सरकार गौ सेवा आयोग की संतुति पर उन गौशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी जो उस गौशाला की कुल गौवन संख्या में से न्यूनतम 1/3 भाग बेसहारा पशुओं को रखेगी। वर्ष 2020-21 से पशुपालन एवं डेयरी विभाग बेसहारा और घायल पशुओं को पहचान करके उन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बाद ऐसे पशुओं को गौशालाओं में पुनर्वासित करवाएगा। साथ ही जिन गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के आवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है उनको विकास एवं पंचायत निगम गोचरांत भूमि प्रदान करेगा। मेरा मानना है कि मत्स्य पालन किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए हमने मत्स्य पालन के तहत क्षेत्र को वर्ष 2020-21 में 55,000 एकड़ तथा मत्स्य उत्पादन 2.6 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2021 में खारे पानी के मत्स्य फार्म के तहत जल क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और 2 बड़े पैलेट फीड प्लांट मिल प्लांट और 10 छोटे फीड मिल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में पहली बार 250 एकड़ क्षेत्र में कैटफिश तथा पिलापिया कल्चर शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक भूमि की खुदाई भी की जाएगी। हमने खारे पानी में झींगा पालन व जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन को बहुत बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021 में झींगा किसानों के लिए एक प्राण चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा तथा किसानों को कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजार में किसान अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। पंचकुला में टिक्करताल तथा यमुनानगर करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलाशयों में घटती मछली प्रजातियों के संरक्षण से प्राकृतिक मछलियों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया जाएगा। अभी 2 राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म तथा 13 राजकीय मत्स्य बीज फार्म नवीनतम तकनीक के माध्यम से उत्तम किस्म का मछली बीज तैयार करके मत्स्य पालकों को न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष में 3 मत्स्य बीज फार्मों का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा तथा परंपरागत मछली पालन प्रजातियों से हटकर नई कैटफिश प्रजातियों का पालन प्रारंभ किया जाएगा। जिला जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पलवल, नूह, हिसार, फतेहाबाद और फरीदाबाद के जल भराव वाले क्षेत्र में मत्स्य पालन करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मैंने आगामी वित्त वर्ष में लगभग 2500 एकड़ जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए बजट प्रावधान किया है। मैं कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020-21 में 6,481 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जो बजट अनुमान 19-20 के 5,230 करोड़ रुपये की तुलना में 23.92% की वृद्धि है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3,364 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 1,157 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 492 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रावधान परिव्यय शामिल है। सहकारिता, ये सर्वविदित है कि हरियाणा के जो किसान फसली ऋण के मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं उन्हें बिना किसी ब्याज के प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 18-19 के दौरान लगभग 5 लाख ऐसे किसानों को 127 करोड़ रुपए की ब्याज में राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों
और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऋण की 1990 के बाद से अदायगी न करने के कारण से लाखों किसान बकायेदार हो गए थे, उन्हें राहत देते हुए 1 सितंबर 2019 से एक मुश्त निपटान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लगभग 8.5 लाख अति देय ऋणी सदस्यों में से लगभग 4.14 लाख सदस्यों ने 31/1/20 तक 858 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्राप्त की है तथा 3214 करोड़ रुपए के अतिदेय ऋणों में से 1281 करोड़ रुपए के अतिदेय ऋणों की वसूली की गई है। इस प्रकार केंद्रीय जिला सहकारी बैंकों के कुल 31,749 पात्र ऋणियों में से 7,634 ऋणी सदस्यों ने 31 जनवरी 2020 तक लगभग 497 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ प्राप्त किया है और 608 करोड़ रुपए के अतिदेय ऋणों में से 165 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इस योजना का लाभ उठाने से अब तक वंचित रह गए ऋणियों को एक और मौका दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा द्वारा गन्ना उत्पादों को 340 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देश में उच्चतम लाभप्रद मूल्य का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 355 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी चीनी मिल पानीपत और 263 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी चीनी मिल करनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा किसानों को की आय बढ़ाने के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की भी स्थापना की गई है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2020-21 में गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले सहकारी दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली सब्सिडी को 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, जो कि भैंस के दूध पर दी जाने वाली सब्सिडी के बराबर होगी। ये सब्सिडी ग्रीष्मकालीन महीनों में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाएगी, जिसके लिए 30.43 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार 9.60 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर बल्क मिल्क कूलर के माध्यम से दूध की शीतकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश का पहला सहकारी ट्रेटा पैक संयंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि तरल दूध, फलों के रस और फर्मेंटेड दूध उत्पादकों की आधुनिक पैकिंग की जा सके। सहकारिता विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2021 के लिए 1343.94 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। शिक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से आम आदमी के जीवन के 4 लक्ष्यों में शिक्षा सबसे पहला लक्ष्य है, क्योंकि शिक्षा के बिना स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन भी हासिल करना कठिन है। प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है, शिक्षा है सब काल कल्प लतिका समन्यारी, कामद सरस महान सुधा सिंचित अति प्यारी, शिक्षा है वह धारा बहा जिस पर रस सोता, शिक्षा है वह कला कलित जिससे जग होता। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं। आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार और विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापरक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने अनेक प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 रुपये से 6000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। स्वच्छ भारत प्रांगण स्कीम के तहत स्वतंत्र परिसर वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिसर, अध्ययन कक्षों व शौचालयों की सफाई, पेयजल का प्रबंध, पौधों को पानी देने व मुख्य अध्यापक द्वारा दिए गए दूसरे कार्यों के लिए एक पूर्णकालिक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों में प्रभावी ढंग से देखरेख के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय, स्थानीय निकाय के माध्यम से 500 विद्यार्थियों तक की संख्या वाले 3,581 स्वतंत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3,793 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 500 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों प्रति विद्यालय 2 कार्यकर्ता में 212 कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र
2020-21 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार करते हुए इसमें 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वर्दी का प्रावधान किया गया है। इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से विद्यालयों में किसी प्रकार की फीस व निधियां नहीं देनी होगी। प्रदेश के सभी शिशुओं और किशोरों को शिक्षा की अति आधुनिक सुविधाएं देने के लिए उठाए जाने वाले कुछ नए कदमों का उल्लेख करूंगा। शिक्षाविद जानते हैं कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु का समय बच्चे के संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक सरकारों द्वारा इस आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों और इस आयु वर्ग से बड़े बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान किया जाता रहा है, परंतु इस आयु वर्ग की ओर ध्यान और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने वर्ष 2020-21 के बजट में 3 से 5 वर्ष की वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की ओर से 400 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय 4,000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में 500 नए क्रच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे। इस समय राज्य में 22 आदर्श संस्कृति विद्यालय चल रहे हैं। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और अधिकम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में 98 खंडों में खंडवार एक नया आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से प्रदेश में 2020-21 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक बच्चों के लिए 119 राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालय उपलब्ध होंगे। अभी प्रदेश में बस्ता मुक्त एवं अंग्रेजी माध्यम के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने ऐसे 1,000 और विद्यालयों की स्थापना उन गांवों में करने का निर्णय लिया है जहां अभी 2 से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। उन सभी 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों जहां पर विज्ञान संख्या उपलब्ध है को वर्ष 2020-21 में स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की तर्ज पर इन संकुल विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्रों छात्राओं को भी निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर और अधिगम परिणामों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आरंभ की जाएगी। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सप्ताह में 1 दिन बेसन लड्डू पिन्नी और सप्ताह में 3 दिन की बजाय अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी सुझाव हमारे कुछ विधायकों की ओर से था। सभी विद्यालयों के इसी वर्ष 4 दीवारी का निर्माण करवा दिया जाएगा तथा साथ ही हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता भी बनवाया जाएगा। सुभाष सुधार नीरज शर्मा जी का ये सुझाव था। इसी प्रकार सभी सरकारी स्कूलों का सौंदर्यकरण करने एवं इन्हें आकर्षक बनाने हेतु उपयुक्त धनराशि का प्रावधान भी किया जाएगा। ये भी कुल 5 या 6 विधायकों की ओर से सुझाव आया था। हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना के संवर्धन हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर हरियाणा के विभिन्न जिलों के आपस में युग्म बनाने तथा हर वर्ष कम से कम 4,000 बच्चों को पारस्परिक आधार पर दूसरे जिलों की संस्कृति विरासत तथा ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु एक नई स्कीम वर्ष 2020-21 से शुरू की जाएगी। निर्मल राणी जी का ये एक सुझाव आया था। 2020-21 में ही सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए आरओ से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे। कुल 7 विधायकों की ओर से सुझाव आया था। जिन गाँव में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं है वहाँ के 9वीं या 11वीं कक्षाओं में प्रवेश करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाएंगी। उच्च शिक्षा वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने तक हरियाणा में कुल 105 राजकीय महाविद्यालय थे जिनमें से 31 महिला महाविद्यालय थे। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए हमने एक नीति बनाई कि प्रत्येक 20 किलोमीटर के अंदर एक महाविद्यालय हो ताकि किसी भी छात्रा को 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी न तय करनी पड़े। इस नीति के अनुरूप हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक कुल 52 महाविद्यालय खोले जिनमें से 30 महाविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए थे। वर्ष 2019-20 में 8 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं। इनके लिए सहायक
प्राध्यापकों के 240 नए पद सृजित किए गए हैं। आगे आगामी सत्र से 4 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस तरह राजकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 161 हो जाएगी। अगले वर्ष 18 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महाविद्यालय में विज्ञान विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बेहतर वैज्ञानिक स्वभाव वाले समाज का निर्माण हो और आजीविका के अधिक अवसर भी पैदा हों। विज्ञान को कृषि से जोड़ने के लिए हमारी सरकार सभी सरकारी महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों को में मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देगी, जैसे मैंने पूर्व में कहा। अगले शैक्षणिक सत्र से 10 और राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के उभरते क्षेत्र से संबंधित नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्ष 2021 में एक नई योजना में 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान के प्रोत्साहक भर्ती किए जाएंगे, जो अपने अपने कॉलेज के इलाके में उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें उच्च शिक्षा में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे। आज डिजिटल रूप से अनंत ज्ञान और विश्व स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से गरीब लोगों तक डिजिटल पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये डिजिटल पुस्तकालय सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त होंगे। ये भी सुझाव श्री रामनिवास जी ने हमको दिया है। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेज में ही प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा ये भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सभी जानकारियाँ विद्यार्थियों के एडमिशन फॉर्म में ही ले ली जाएंगी। हमारी सरकार प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शुरू करेगी। ये संस्थान विश्वभर में मान्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, क्रिप्टोग्राफी इत्यादि के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा। ये संस्थान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न संस्थानों में 4.71 लाख लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। अब स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV कैमरे लगाने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी कुछ सदस्यों की ओर से इस प्रकार का सुझाव आया था। शिक्षा क्षेत्र के लिए हमने कुल बजट का लगभग 15% आवंटन किया है, जो कि हरियाणा बनने के बाद से सर्वाधिक है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने से निजी निवेश भी बढ़ेगा। हम शिक्षा पर GDP का 6% व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। मैं बजट अनुमान 2021 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19,639 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव पारित करता हूँ, जो बजट 2019-20 के की तुलना में 28.60% की वृद्धि दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए मैं वर्ष 2021 के लिए 2,936 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान करता हूं, जो बजट 1920 के 20 पर 41.39% की वृद्धि दर्शाता है। मैं बजट अनुमान 2021 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 705 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 19-20 के 581 करोड़ रुपए पर 21.35% की वृद्धि दर्शाता है।